कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन द्वारा कांग्रेस पार्टी को छोड़ भाजपा का दामन थामने पर धर्मशाला के विधायक विशाल लहरिया ने उनका स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर्ष महाजन कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े कदावर और वरिष्ठ नेता थे, मगर कांग्रेस पार्टी में उनकी अनदेखी और मची हुई खींचातानी का नतीजा है कि आज उन्होंने कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की नीयत और नीतियां एकदम जनहितैषी हैं। यही वजह है कि दूसरी पार्टियों के नेता एक एक कर अपनी पार्टी का दामन छोड़ भाजपा में चले आ रहे हैं। यहां उनका पूरा मान सम्मान होगा, ये उन्हें भी मालूम है। विशाल लहरिया ने कहा कि जिस तरह से विपक्षी दलों में चुनावों को लेकर खलबली मची हुई है, इससे एक बात स्पष्ट है कि अभी भी भाजपा की ही सरकार है और भविष्य में भी भाजपा की ही सरकार आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर्ष महाजन जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से दुखी होकर आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज आप देखेंगे कि किस तरह से ये दौर आ चुका है कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता जो है आज कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा की नीतियों से, भाजपा की कार्यप्रणाली से और भाजपा के नेतृत्व से सभी लोग जो हैं उनकी सराहना करते हैं। और जो आज भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस तरह से देश और प्रदेश के अंदर अच्छा काम कर रहा है, अच्छी नीतियों के साथ चल रहा है, जिसको लोगों का भी एक सहयोग सपोर्ट मिल रहा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये इस दिशा में जो है आज पूरा देश बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पे ये सीधा सीधा संकेत है कि आने वाले हिमाचल प्रदेश के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने वाला है। वर्तमान सरकार भाजपा की है, आने वाली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट।